नाम है आपका? कृष्ण शर्मा। बच्चे हैं आपके? शादी हुई भी है? कोई शादी ना, पादी बर्बादी है। क्यों छोड़ा कमरा? क्या काम क्यों नहीं करते थे? पैसे नहीं थे पास में, बाजू टूट गई थी, किसी ने धक्का दे दिया था मेरे को। हम मिस्त्री ये काम टूटी नहीं करते क्या थे। मेरी बाजू? देख उठती नहीं है, ये देखो ये कहाँ उठती है, काम ही नहीं करती है। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। आओ बढ़ाएं एक कदम इंसानियत की ओर। परमपिता परमात्मा हमारे कृत्यों का फल अवश्य देगा। इन्हीं भावों को सम्मुख रखते हुए हित चैरिटेबल ट्रस्ट ने पिंजोर मेन बाजार में अर्ध जली हुई अवस्था में घूम रहे बेसहारा व्यक्ति को अपना आशियाना आश्रम करनाल पहुंचाने का काम किया। जानकारी देते हुए हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पाहवा ने बताया कि स्थानीय युवाओं ने वीरवार रात्रि करीब 8 बजे उन्हें जानकारी दी थी कि एक व्यक्ति बाजार में बेसहारा इधर से उधर घूम रहा है, और जिसको लेकर हितेश पावा उसी समय मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा वह व्यक्ति जला हुआ था और उसके शरीर में कीड़े भी पड़ चुके थे। उन्होंने उक्त व्यक्ति को खाना खिलाकर अपने साथ हिमशिखा ले गए और वहाँ उनकी रहने और सोने की व्यवस्था की गई। वह शुक्रवार को उन्हें अपना आशियाना आश्रम करनाल पहुंचाया गया। हितेश पावा ने बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वह अपना नाम तरसेम शर्मा कैथल निवासी बता रहा है, और उसने बताया कि वह राजमिस्त्री का काम करता था और किराए के मकान में रहता था, परंतु उसकी बाजू टूट जाने के कारण वह काम नहीं कर पाता और पैसे ना होने के कारण बेसहारा और बेघर हो गया है। और एक दिन कमरे में आग जलाकर बैठा था और उक्त आग में गिर जाने से उसका शरीर जल गया है, और अब हालात ऐसे हैं कि उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं और वह इधर उधर भटककर धक्के खाने को मजबूर है। हितेश पावा ने लोगों से अपील की है कि यदि हमारे क्षेत्र में कोई भी आपको ऐसा बेसहारा व्यक्ति दिखाई दे तो हमें संपर्क करें, हम उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आप लोगों के सहयोग से पिंजौर में भी अपना आशियाना आश्रम बनाया जाएगा। ये देखो जी, आज असि आए थे पिंजौर च आए हैं जी, ये भाई साहब मिले ने। क्या नाम है जी अपना? तरसेम शर्मा जी। तरसेम शर्मा जी कितने दे हो जी? कैथल डिस्ट्रिक्ट गुलवा चिकाल का बाल गाँव। कैथल दे ने जी, अपने आप नूं कैथल दे दसदे ने। ए जले किस तरह जी? जले जी, आग लगी, देख रहे था कोई कपड़ा नहीं था पास में। अच्छा। देख रहे थे जी आग में बैठे था, परने के अंदर आग चढ़ गई, आग जल गई। अच्छा जी, जैन सर। अच्छा, ये हुण इन्हां दी हालत काफी खराब है, काफी कीड़े पे हुए जी इन्हां नूं। असीं लैके जावांगे करनाल अपना आशियाना आश्रम विच, इन्हां दी उत्थे पूरी सेवा करांगे, पूरा इन्हां नूं स्वस्थ करांगे, ठीक करांगे। ते ये देखो जी, इन्हां दे इधर हाथ करो जी। ये कहाँ रहते हो आप? पिंजौर में। काम क्या करते हो? राजमिस्त्री। तो बच्चे हैं आपके? शादी हुई भी है? कोई शादी ना, पादी बर्बादी है। तो किसके पास रहते हो, कौन है आपके माँ बाप है पीछे?
माँ बाप तो है पिंजोर के अंदर रहते हैं, पंजाबी होटल के अंदर करा दे हैं 2000 रुपये महीना। तो ये आपके जला कैसे है शरीर? जल गया सर। कैसे? मैं आग में सेक रहा था, कपड़े मेरे पास नहीं थे, कमरा मैंने छोड़ रखा था। क्यों छोड़ा कमरा? क्या काम क्यों नहीं करते थे? पैसे नहीं थे पास में, बाजू टूट गई थी, किसी ने धक्का दे दिया था मेरे को। हम मिस्त्री काम करते थे क्या? मेरी बाजू देख, उठती नहीं है, ये देखो ये कहाँ उठती है, काम ही नहीं करती है। तो अब आपको कौन लेके, आपको पता है यहाँ पर? यार ये सरकारी मुलाजिम। आपको खाना खिलाया किसी ने? सबने खिलाया जी, मैं रह चुका हूँ इसे। मैं आप ठीक होना चाहते हो? जी सर। तो सुबह आपको लेके जाएंगे तो आप ठीक होना चाहते हो, उनके साथ जाओगे? ओ सर जी, किसके पैर पकड़ोगे जो मेरे को ठीक करो? अजय आप तो बोले कीड़े पड़ रहे हैं मेरे शरीर के अंदर, कोई भी नहीं बोल रहा। हाँ बताओ क्या बोलूं मैं। मैं सबसे पहले तो आपका मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप ऐसी खबरें समाज तक पहुँचाते हो, उन तक पहुँचती हैं, लोगों को पता चलता है कि हित चैरिटेबल ट्रस्ट समाज में इस तरीके से कार्य करता है। वो हमें दिन रात किसी भी टाइम ऐसे कोई व्यक्ति देखते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, तो हम तुरंत वहाँ पर पहुँच कर इनको संभालते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। और जो ज़्यादा ही जैसे ये भाई साहब हैं, अब इनको कल हम करनाल लेके जाएंगे अपना आशाना आश्रम में, वहां पे छोड़ेंगे, इनकी वहां पे सारी पूरी देखभाल होगी, इनकी अच्छी सेवा होगी। बाकी हाँ, इनसे पूछा गया ये कहाँ के रहने वाले हैं, कभी अपने आप को पिंजोर का बताते हैं, कभी करनाल का बताते हैं। नहीं जी, कैथल का, कैथल कैथल का, कैथल का बताते हैं जी सर, कैथल चीके का बताते हैं जी। अपना उम्र कोई लगभग 42 साल है, तो राज कहते हैं मैं राजमिस्त्री का काम करता था और कमरे में मेरे को आग लग गई तो मैं जल गया। तो आज इनके बारे में हमें पता चला है पिंजौर से, लोगों ने बताया, हम इनको वहां से ले आए। अब रात इस टाइम काफी हो रही है, हालत काफी खराब है, इनको अब खाना खिला दिया, सुलाने की व्यवस्था देंगे, तो कल सुबह इनको हम यहाँ पे इलाज के बाद करनाल ले छोड़ने जाएंगे। सर और आप मीडिया से ये प्रार्थना करते हैं, जैसे आप ये खबरें हमारी पहुंचाते हो समाज तक, और लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कोई ऐसे व्यक्ति देखें, हमसे संपर्क करें। करनाल अपना आशियाना आश्रम का नंबर है 9416010073 और हमारा यहाँ का पिंजौर का नंबर है हित चैरिटेबल ट्रस्ट का 9876113857 9876113857। इस तरीके से ये समाज की सेवाएं हैं हम कर रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो हम ये कार्य करते हैं। अब इसकी हालत देखो, इतनी पीक निकल रही है, इतनी हालत काफी खराब है, हाथ चलता नहीं, अपने हाथ से खाना नहीं खाया जाता, पैंट सारी लिबड़ी हुई है, दुर्गंध बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी पास खड़े होना और मुश्किल है। वहां पे पिंजौर में लोग थे, सारे दूरी बना रहे थे, परंतु नहीं, हम इसको अपनी गाड़ी में बिठाकर, ऑटो में बिठाकर हम यहाँ पे लाए हैं। अब यही इस टाइम जरिया है कि हम रात इनकी कटे अच्छी, तो कल हम इनको सुबह इनके इलाज करवाएं और इनको तंदुरुस्त करें, स्वस्थ करें, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और जल्दी स्वस्थ करें, ठीक करें। समाज के लोगों से ये मेरी हमारी प्रार्थना है हित चैरिटेबल ट्रस्ट की, अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं पिंजौर कालका कहीं पे भी पंचकूला चंडीगढ़, हमसे संपर्क करें। नीचे हमारे नंबर आ रहे हैं 9876113857 9468369457, हमसे इन बातों संपर्क करें, हम इनको तुरंत वहां से उठाकर लाएंगे, अपना आशियाना आश्रम करनाल में रखेंगे, और बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग से हम यहां पर जगह लेकर पिंजौर एरिया में एक आश्रम बनाना चाहते हैं। और आप लोगों से निवेदन है इस ट्रस्ट की हेल्प करें और सहयोग दें, हमारे नीचे नंबर आ रहे हैं उन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जल्द से जल्द एक हम यहां पर भी अपना आशियाना आश्रम बनाना चाहते हैं और जल्द से जल्द बनाएंगे। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।